तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक सफलता की कहानी हमारे ही सब्सक्राइबर के जुबानी। जी हां दोस्तों, यहां पर जो ये काम कर रहे हैं, मतलब इतनी तादाद में इस काम की रिक्वायरमेंट है जो कि टनों में बिकता है। जी हां दोस्तों, टनों से ही प्रोडक्शन होता है। और उसी सफलता की कहानी को सर्च करते हुए मैं एक हमारे सब्सक्राइबर के पास पहुँच गया हूँ। ये काफ़ी दिनों से हमें फॉलो कर रहे थे। चलिए हम इनसे जान लेते हैं। सर, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। नमस्ते सर। सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए आप। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जी। इसके पहले मेरा ये सूरज इंडस्ट्रीज का चालू है मशीन का जी। पहले मुझे मटेरियल नहीं मिल रहा था, अभी अपना वीडियो देख लिया, आपको फॉलोअप किया जी। पहले से आपको फॉलोअप करता हूँ। मैं सर्च कर रहा था कि मुझे किधर से मशीन मिलती है, कौन सी, क्या रॉ मटेरियल के लिए। पहले रॉ मटेरियल कम मिला करता था, अभी जब से आपका मशीन वीडियो देख रहा था उसमें मशीन का एक वीडियो मिल गया, तब से वो मशीन हमने इधर लगा दिया है। उस मशीन लगाने से पहले मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना हर दिन का 15,000 रुपये मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन अभी अपना मशीन उधर लगा दिया तो हर दिन का 25-30 हज़ार रुपये मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। उस पहले 10-11 टन मेरा प्रोडक्शन निकलता था, 10-12 टन, अभी 25-30 टन हर दिन का मैं प्रोडक्शन निकल रहा हूँ सर जी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा यूनिक मशीनरी ही आपके लिए लाते हैं जिसका मार्केट में कंपटीशन बहुत कम हो। तो उसी तरह की हमने पहले मशीन की वीडियोज़ डाली हुई थी, तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है मशीन की, लेकिन वो काफ़ी लोग उसको लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरा इनका एक्सपीरियंस आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपना प्लांट लगाया हुआ है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया हुआ है। आप भी इनसे मोटिवेशन हो सकते हैं, क्या प्रोडक्ट है, किस हिसाब से ट्रकों के ट्रक यहाँ से भर के जाते हैं, टनों की तादाद में यहाँ से जो है वो प्रोडक्शन होती है। तो इस तरीके से आप भी अपना प्लांट लगा सकते हैं और अपने सपनों को सजा सकते हैं। पहले आपका क्या बिजनेस था, एक बार वो हमारी ऑडियंस को दिखा दीजिए। पहले हमारा ऐसा बिजनेस था, वो ब्रिकेट मशीन है ना बॉयलर का, कंपनी के लगता है बॉयलर को जलाने के लिए, ये हम चालू किया था। 2-3 साल हो गए ये चालू किया था, लेकिन हुआ क्या था, मशीन तो चालू है लेकिन मटेरियल कम पड़ रहा था। हर दिन का 25-30 टन भी दिया ना कंपनी को तो भी कम पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कहाँ कहाँ पर है। दोस्तों, इसकी जो डिमांड है वो है ब्रिकेटिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि जो कंपनियां लकड़ी की ईंटें बनाती हैं उनको बहुत बड़े पैमाने पर इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। कागज बनाने वाली इंडस्ट्रीज में भी इस प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहती है, वुड प्लेट हो चाहे फिर हाई ड्राफ्ट ईंट भट्टा हो। दोस्तों, हर जगह इसकी जो डिमांड है वो कंटिन्यू टनों के हिसाब से बनी रहती है। दोस्तों, जहां पर मैंने आपको डिमांड बताई है, इनमें से किसी से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये जो लोग आपसे टनों के भाव से माल लेंगे, मतलब आपको दूसरा कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका एक बार किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो जो आपसे माल है वो टनों में लेंगे और सालों साल लेंगे, आपको कोई नया कस्टमर भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कोई आपको इसके अंदर पैकेजिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई अपना ब्रांडिंग लेवल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि आपको कोई कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्पेशल मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये अपना मेन मशीन है ब्रिकेट का, ये हमने ये मशीन पे प्रोडक्शन निकलते हर कंपनी में, हर होटलिंग में, हर इंडस्ट्री में इसका बहुत रिक्वायरमेंट है। हर दिन में हम 50 टन भी निकल दिया ना तो भी कम पड़ रहा है अभी। इसको ब्रिकेट बोलते हैं सर। इसमें सॉडस्ट रहता है, एग्रीकल्चर वेस्टेज रहता है इसमें। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है? हर इंडस्ट्री में, बॉयलर में लगता है, होटलिंग में भी लगता है। हर दिन में उसको 50 टन देने की जो हम कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें जो रॉ मटेरियल की जरूरत थी, आप कह रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल पा रहा था। ये पहले मटेरियल नहीं मिल पा रहा था, जो मटेरियल मिलता था उसमें मिट्टी और पानी ज़्यादा रहता था तो उसका वेट खाली बढ़ता था, बाकी बाद में वो प्रोडक्शन निकलने के बाद उसका वेट कम हो जाता था, उसमें लॉस ज़्यादा रहता था हमारा। जब से आपका वीडियो देख के वो मशीन हमने लगा दिया है तब से हम दिन में 30 टन निकलते हैं तो भी कम पड़ रहा है मटेरियल अपना। और ये जिसका ये ब्रिकेट का सॉडस्ट है ना, सॉडस्ट से एक उसका क्वालिटी इतना अच्छा आता है, बाहर से आता है तो उसमें CV कम आता है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा जाता है। अभी जैसे हमने वो मशीन लगाया तब से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होके प्रोडक्शन प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। एक रुपया 25 पैसा तक हमारा प्रोडक्शन जाता है। ये देखो सर, ये अभी महीने में मैन्युफैक्चरिंग अपना खुद का करता है, उसके पहले मैं बाहर से लेके आता था तो एक तो उसमें वो मेरे को 3200-3500 रुपये के टन से मिलता था। अभी मैंने खुद बनाया है वो, जब बाहर से लेके आता था तब से उसमें मिट्टी पानी उसका वेट ज़्यादा बढ़ता था उसकी वजह से, लेकिन जब भी उसको ड्राई करने के लिए लेते थे तो उसको 2-4 घंटा 5 घंटा 1 दिन भी लगता था, जब जब अपना क्लाइमेट है उसके हिसाब से मुझे उतना टाइम लग रहा था। अभी ये मेरा प्योर सॉडस्ट है और ये सॉडस्ट बनाने के लिए मुझे अभी उसको 2200-2500 रुपये तक उसका खर्चा था हर टन के लिए, और उसका ही पहले वो
3200-3500 रुपया टन तक मुझे खर्च आता था, लेकिन उसमें सीवी भी नहीं आता था पहले में। अभी उसका सीवी भी अच्छा बढ़ रहा है, उसका क्वालिटी भी अच्छा बढ़ रहा है, और उसकी मांग भी ज़्यादा अभी आ रही है। पानी डालने से क्या होता है सर? उसमें पानी डालने से क्या होता है, उसका वेट तो बढ़ जाता है लेकिन उसका मटेरियल नहीं निकलता है। और ये मटेरियल पहले उसके जब भी खरीद के उसको ड्राई करने के लिए उसका प्रोडक्शन उसका खर्चा 4000 तक जाता था। अभी हमने वो प्योर डस्ट बनाया उसका 2500 रुपया तक उसका टोटली खर्चा आता है। उसमें तो हमारा एक रुपया तो इसमें बढ़ गए, ए मशीन में हमारा डस्ट में एक रुपया तो इधर ही बढ़ गया है उसका मार्जिन। और दूसरी ये बात होती है, उसमें जो सीवी रहता है कैलोरी वैल्यू कंपनी में वो कम रहती थी, अभी अच्छी बन रही है, 3800-4000 तक जाता है सीवी उसका। सर ये देखो अपना ये जंगल वेस्ट वुड है, ये बाहर हमारे इधर बहुत मिलता है, लेकिन उसके पहले उसको इधर अभी अपना पूरा इंडिया में गैस ज़्यादा चल रहा है घरेलू भी, इसके लिए लकड़ी कोई नहीं लेता है, उसको यूज ही नहीं होता है। तो हमने वो वीडियो देखा तब से ये अपना ये लकड़ी भी जो वेस्टेज है उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं सर जी। और ये अपना जो मशीन है अभी आपको चला के दिखाता हूँ सर, आ जाओ। तो सर इतनी सारी जो लकड़ियां हैं वो क्या मिल जाती है इतने बड़े तादाद में? सर इससे भी ज़्यादा और मिलेगी, क्योंकि हमारे इधर पहाड़ी इलाका जंगल इलाका ज़्यादा है, तो इसमें लोग बहुत उसको लेके आते हैं हमारे इधर। अच्छा। उस बोले तो इस एक सीज़न में हमको 1000 टन मिले बोले के, तो इतना भी अभी ये सब पूरा दिखता है ना वो हमको पूरा भरने का, उसमें 1000 टन तो मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा सर। जहाँ पर पहाड़ी इलाका या फिर जंगली इलाका नहीं है तो वो लोग कहाँ से अरेंज करेंगे, वहाँ पर किन किन लोगों से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा? तो जिस खेती में जो लकड़ी पेड़ है वो लोग भी अपने खेती का जो वेस्टेज जो नहीं चलता है वो काट के लोग ला के देते हैं अपने पास। अच्छा, मतलब एक बार कॉन्टेक्ट हो जाएगा तो उनके पास रिपीटेड ऑर्डर? यस यस यस, रिपीट बोले तो एक बार चालू किया तो लोग कंटिन्यू तो चालू रख देते हैं। अच्छा, तो फिर इसको सो डस्ट बनाने के बाद इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है? सर पहले उसकी वैल्यू थी हमारी 3200-3500 रुपया पर टन के लिए। उसमें तो मिट्टी ज़्यादा आता था, पानी ज़्यादा रहता था, इसके उसको सुखाने के लिए हमको एक एक दिन लगता था पूरा। अच्छा। तो भी कम पड़ रहा था। अच्छा। तो अभी क्या है, हमारा खुद का प्रोडक्शन बन गया है, उसमें सीवी भी अच्छा है उसका, 2200-2500 तक उसका प्रोडक्शन कर जाता है। इसमें हमको ज़्यादा एक करके अभी 1-1.5 रुपये उसमें मार्जिन ज़्यादा मिल रहे हैं। और अब पहले उसका वो कॉस्ट जाता था 4000 तक, फिर भी 3200-3500 लिया ना तो भी उसको सुखा के उसमें से ये करके उसको 4000 तक प्रोडक्शन कॉस्ट जाता था, अभी वो 250 रुपया तक जाता है सर। तो देखा दोस्तों, मतलब कि इनको पहले ढूंढना पड़ता था तब भी नहीं ये प्रोडक्ट मिलता था, लेकिन जब अगर मिल भी आता था तो उसमें वो क्वालिटी इनको नहीं मिल पाती थी जिनको इनको रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने क्या क्या अपना ही खुद ये सो डस्ट का प्लांट लगा लिया है। तो इन जैसे लोग काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको सो डस्ट की ज़रूरत है, आप भी अपना सो डस्ट का प्लांट लगा सकते हैं। मशीन विक्रेता का जो नंबर है सामने दिया हुआ है, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके कंपनी का सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इस तरीके से सो डस्ट का बिजनेस कर सकते हैं और एक अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्लास में, बिजनेस क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।